हेलो दोस्तों, रोस्टेड करी में आपका स्वागत है। तो नवरात्रों की इस स्पेशल सीरीज में आज हम बना रहे हैं शक्करकंदी के कबाब, जो कि टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी। तो मुझे पता है कि आपको इंतज़ार है हमारी इस सीरीज में नए नए वीडियोस का। तो उसी सीरीज की इस एपिसोड में आज हम बनाएंगे शक्करकंदी के कबाब। तो जिसके लिए हम लेंगे शक्करकंदी, जिसको हमने उबाल लिया है, और साथ में लिया है एक आलू, जिससे अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। और शक्करकंदी को उबालते हुए हमने दो विसल बजाई है और आलू को भी। तो बेसिकली कबाब जब हम बनाएंगे तो कबाब को सेका भी जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में लेंगे पनीर लगभग 125 ग्राम। और अब शक्करकंदी को हम कर लेंगे ग्रेट, और ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। तो जब तक हम शक्करकंदी और आलू को ग्रेट कर रहे हैं, आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बने रहिए इन नवरात्रों में इस सीरीज के लिए। तो इस कबाब में शक्करकंदी का मीठा स्वाद, आलू के साथ बाइंडिंग और साथ में पनीर, बड़ा ही अच्छा टेस्ट बनने वाला है। तो अब पनीर को भी करेंगे ग्रेट। जी हाँ, तो हमने लगभग 125 ग्राम पनीर को भी ग्रेट कर लिया। और अब इसमें कबाब में नटी टेस्ट लाने के लिए ऐड करेंगे मूंगफली। तो हमने मूंगफली के दानों को, जो कि रोस्टेड थे, उसको क्रश कर लिया, और लगभग 3 चम्मच क्रश मूंगफली के दानों को यूज़ किया है। और फिर डाल दी हरी मिर्ची और हरा धनिया। अब डालेंगे मसाले। तो अपने मसाला बॉक्स से सबसे पहले निकालेंगे हम सेंधा नमक, जो कि डालेंगे स्वाद अनुसार। तो इस मसाला बॉक्स में क्या क्या मसाले रखे हैं, इसका वीडियो भी देख सकते हैं आप। देगी मिर्च और जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। और अब डालेंगे इसमें सिंघाड़े का आटा लगभग 2 चम्मच, क्योंकि कबाब की हमें बाइंडिंग करनी है। और कबाब को चटपटा टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा डालेंगे नींबू का रस, और साथ में डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच देसी घी। तो अब इन सारे मसालों को हम कर देंगे मिक्स, और बढ़िया सा मिक्सचर बना लेंगे कबाब का। तो आप लोगों ने बहुत ही श्रद्धा से जो नवरात्रे रखे हैं, उसकी फीस तो आपको मिलनी ही चाहिए। तो बड़े सिंपल इंग्रेडिएंट से हम लोग जो सामान यूज़ होता है नवरात्रों में, उसी को यूज़ करते हुए बना दिए कबाब। तो मिक्सचर हमारा रेडी है, और अब हाथ पे लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी और कबाब की शेप बनाएंगे। तो आप कबाब की शेप बनाने के बाद इसको, इन कबाब को फ्रिज में भी रख सकते हैं। थोड़ी शेप फ्रिज में रखने से सेटल हो जाएगी। तो एक एक करके कबाब को शेप दे देते हैं। और कबाब को ऊपर से डेकोरेट करने के लिए यूज करेंगे किशमिश। आप काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब तवे पे डालेंगे देसी घी, क्योंकि हमें देसी घी में कबाब को सेकना है। तवा गर्म है, और थोड़ा सा गैस को कर देंगे कम, और एक एक करके कबाब को सेकेंगे। तो मैंने कबाब को तवे की साइड्स पे रखा है, ताकि जो कॉर्नर्स है कबाब के, वो भी अच्छे से सेक जाए। आप पलट लेते हैं, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। धीरे धीरे करके सारे कबाब पलट लेंगे। तो दूसरी तरफ से भी तैयार हो रहे, लगभग 5 से 10 मिनट में हमारे कबाब अच्छे से सिक जाएंगे। तो गैस को मीडियम टू लो रखिएगा, और कॉर्नर से सेकने के लिए थोड़ा उल्टा भी कर सकते हैं। लीजिए, तैयार हैं हमारे
शक्करकंदी के कबाब। तो बनाइए और खाइए और लीजिए मज़ा नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज़ का। और इस सीरीज़ में और एपिसोड देखने के लिए बने रहिए। मैं आपका दोस्त कुणाल भाटिया, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।